नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है वस्तुनिष्ठ आपको ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा, ठीक है, जो कि आपका सामान्य विज्ञान का होगा, ठीक है, जनरल साइंस का। और इसमें हम लोग जो है आपका सेट प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 57 होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो बिना व्याख्या का सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन आंसर। और ये आपका रिविजन वीडियो है, ठीक है। और जो आपका जो व्याख्या का जो व्याख्या वाला जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा वो आपका जब आपका ये पूरा एक से एक सेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको एक अलग प्लेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सेट आपका टेस्ट सीरीज नंबर 57 करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है दाता है। तो निम्न में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता है। तो वन का ऑप्शन में टीन, तो सबसे अच्छा आपका इलेक्ट्रॉन दाता टीन है। टू है आयनिक यौगिक प्राय है, तो आयनिक यौगिक प्राय क्या होता है, टू का ऑप्शन मर्जी उच्च गलनांक वाले है। तो आयनिक यौगिक प्राय आपका उच्च गलनांक वाले। क्वेश्चन आपका थ्री, जब सोडियम धातु को जल में फेंकते हैं तो यह होता है। तो जब सोडियम धातु को जल में फेंकते हैं तो क्या होता है, तो थ्री का ऑप्शन नंबर उपचयित होता है, ठीक है। तो जब सोडियम धातु को जल में फेंकते हैं तो यह उपचयित होता है। फोर आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 743.48 ग्राम है, तो मिलीग्राम में यह द्रव्यमान कितना होगा। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन बी 743,480 मिलीग्राम होगा, ठीक है। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 743.48 ग्राम है, तो मिलीग्राम में यह द्रव्यमान कितना होगा, तो आपका 743,480 मिलीग्राम होगा। कुछ आपका फाइव है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की उपचयन संख्या क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की उपचयन संख्या आपका फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर छह है। सिक्स है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की उपचयन संख्या 6 है। सिक्स आपका प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद, तो सिक्स का ऑप्शन में भी ग्लूकोज है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। सेवन आपका कार्बन की खुली श्रृंखला यौगिकों को कहते हैं, तो कार्बन की खुली श्रृंखला यौगिकों को कहते हैं ऑप्शन में एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन की खुली श्रृंखला यौगिकों को कहते हैं आपका एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एट आपका 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 N के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण कितना होगा होना चाहिए। तो आपका 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 N के बल से दौड़ता है, उसका आपका त्वरण कितना होना चाहिए। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन में 3 m/s² होना चाहिए। चौथा नाइन आपका, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो नाइन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन को दे। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो क्लोरीन की। आपका क्वेश्चन 10 है, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी है, तो हल्के नाभिकों का संलयन है, ठीक है। तो तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण हल्के नाभिकों का संलयन है। जो 11 नंबर है, नाभिक के अंदर दो प्रोटोन के बीच कार्यकारी बल, नाभिक के अंदर दो प्रोटोन के बीच कार्यकारी बल, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों है, तो केवल विद्युतीय और केवल नाभिकीय है, ठीक है। कुछ 12 नंबर है, चार अर्ध आयु के बाद एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अपघटित भाग रह जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए 6.25%। तो चार अर्ध आयु के बाद एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अपघटित भाग रह जाएगा, तो 6.25%। कुछ 13, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, एक वह पदार्थ है, तो एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती वह पदार्थ कौन सी है, तो 13 का ऑप्शन बड़ी अर्धचालक है, ठीक है। तो एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती एक बार पदार्थ आपका अर्धचालक है। 14 नंबर, प्रकाशीय वर्णतंतु, तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स है, तो 14 का ऑप्शन मुझे संप्रेषण व तरंग निर्देशक दोनों है। तो प्रकाशीय तंतु आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है, ठीक है। 15 नंबर, देशों के प्रसारण के लिए, तो देशों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई कितनी होती है। तो दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई कितनी होती है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। तो दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। तो 16 नंबर है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें, तो 16 का ऑप्शन बड़ी 2.4 एम्पीयर, ठीक है। तो एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा आपका 2.4 एम्पीयर है। तो 17 नंबर, किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पुनः आंतरिक प्रवर्तन होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपतन पूर्ण क्रांति को, तो किस स्थिति में
प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है आपका, तो आपतन कोण आपका और क्रांति कोण, ठीक है। 18 है आपका बल द्वारा क्रिया, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो 18 का ऑप्शन बी विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। 19 आपका नंद, तो नंद गेट के लिए बुलीय व्यंजक है, तो नंद गेट के लिए बुलीय व्यंजक आपका 19 का ऑप्शन है, ए पॉइंट बी इक्वल टू वाई है। 20 आपका राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित आपका 20 का ऑप्शन भी नई दिल्ली में है। 21 आपका फ्लाई एस प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो फ्लाई एस आपका प्रदूषण किसके द्वारा होता है, 21 का ऑप्शन मर्सी थर्मल पावर प्लांट, तो फ्लाई एस आपका प्रदूषण थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। 22 है आयरन लंग्स का कार्य, तो आयरन लंग्स का ऑप्शन मर्सी कृत्रिम श्वसन है, तो आयरन लंग्स का कार्य आपका कृत्रिम श्वसन है। 23 है C14 यूरिडीन, तो C14 यूरिडीन का प्रयोग किया जाता है, तो C14 यूरिडीन का प्रयोग किया जाता है ज्ञात करने से, तो 23 का ऑप्शन सी आरएनए संश्लेषण का। 24 आपका इलेक्ट्रो इनसीफेलोग्राम, तो इलेक्ट्रो इनसीफेलोग्राम और ईईजी का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, तो 24 का ऑप्शन सी एपिलेप्सी को पहचानने के लिए, तो आपका जो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम ईईजी का प्रयोग एपिलेप्सी को पहचानने के लिए जाता है, ठीक है। 25 है कौन सा डाइसैकेराइड से, तो कौन सा आपका डाइसैकेराइड है, तो आपका कौन सा डाइसैकेराइड है, तो 25 का ऑप्शन सी सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा टेस्ट सीजन में 50 सीजन कंप्लीट कर लिया, कल हमारा टेस्ट सीजन में 58 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।